अपनी तारीफ करवाना, अपनी सरकार की तारीफ करवाना, अपनी पार्टी की तारीफ करवाना। देखिए, जो मामला सामने आया है कि एमए के राजस्थानी भाषा पाठ्यक्रम के जो साहित्य का जो पेपर था, उसमें जिस प्रकार से एक पार्टी विशेष की विचारधारा के बारे में, उसके कार्यक्रमों के बारे में जो सवाल पूछा गया, और साथ ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जैसे पद को, उसकी गरिमा को, ऐसे संवैधानिक पद की गरिमा को जो बिगाड़ने का जो प्रयास किया गया, मैं बता देना चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय के छात्र को निश्चित रूप से पता चल चुका है कि जिस प्रकार से ये लोग इस शिक्षा के मंदिर में भगवाकरण करना चाहते हैं, अपने पार्टी की विचारधारा का प्रचार करना चाहते हैं, और जिस प्रकार से ये लोग जो है इस विचारधारा को थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि इस संबंध में कुलपति जी को पहले भी छात्रों ने अवगत करा दिया है, और आज निश्चित रूप से हम कुलपति जी से मुलाकात करेंगे, साथ में माननीय राज्यपाल जी का भी हमने वक्त मांगा है कि जिस प्रकार से विश्वविद्यालयों में जो है भगवाकरण का जो प्रयास किया जा रहा है, एक विचारधारा विशेष को थोपने का जो प्रयास किया जा रहा है, बहुत ही निंदनीय है। छात्र संघ इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है, और छात्र संगठन और छात्र संघ मिलके आगे आने वाले दिनों में इस राज्य सरकार के खिलाफ, इसके मंत्रियों के खिलाफ, और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उन लोगों के खिलाफ हम कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे, और साथ ही इस मामले में जो है उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करने का जो हम कुलपति जी को सुझाव देंगे, और अंत तक हम इसमें लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें हर नागरिक को जो है लोकतांत्रिक अधिकार है उसकी बात रखने का, उसको यहाँ हर चीज़ का जो है सुनने का, बोलने का सबको अधिकार है। तो निश्चित रूप से हमारे देश में हर चीज़ की आज़ादी है, और जिस प्रकार से ये विचारधारा जबरदस्ती थोपने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें हम इनको कभी भी सफल नहीं होने देंगे, और जो भी लोग हैं सबको एकजुट होकर और छात्र संघ बड़े आंदोलन का निर्णय करेंगे।